हाय फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल और एक बार फिर से हमने ये कर दिखाया है कि यूट्यूब हिंदी स्पीकिंग चैनल्स पे ये विस्की पहली पहली बार, बार. फीचर होने जा रही है टुडे वी हैव वन ऑफ द न्यूएस्ट एंट्रीज इन द अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट ऑफ विस्कीज ये जो सेगमेंट है विस्की का ये काफ़ी ठंडा था इसमें दोबारा जो एक जोश आया है वो लाई है मैकेटो सिल्वर स्टार वॉकर और अब लेकर आई है रॉयल एन वी टुडे द प्लेयर ऑफ़ द गेम इज रॉयल एनवी वी विस्की ये रिसेंटली लॉन्च हुई है एनवी ग्रुप की तरफ से एनवी ग्रुप से डिस्कवरी विस्की भी आती है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसका इसका जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो है स्मोक वोड का जो काफ़ी एक्सपेंसिव वोट का है अराउंड अबाउट टू थाउजेंड समथिंग के आसपास आता है उसको भी कोशिश करेंगे हम कि रिव्यू कर पाएँ और इस ग्रुप की खास बात यह है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देख के मैं बहुत खुश हुआ नाम है एनवी ग्रुप एन वी वर्ड यूज करके दे हैव इनकॉर्पोरेटेड दर्ड एन वी विद देयर ग्रुप बहुत अच्छा और रॉयल एड करके सो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग है और एक चीज बताना चाहूंगा इसकी पैकेजिंग इतनी इंटरेस्टिंग है कि देखकर मन करता है कि परचेज कर लो मैं ही नहीं कोई भी कस्टमर जाएगा तो उसको पैकेजिंग का इंटरेस्ट अच्छा लगेगा और इसकी पैकेजिंग को मैं 10 में से 11 नंबर दूंगा पहली बार और ये एक चीज़ बहुत अच्छी है इन्होंने बहुत अच्छी बात करी मार्केटिंग को लेकर सिर्फ एक ड्रॉबैक है वो ये है कि जैसे ऑल सीजन या स्टार वॉकर अपने दोनों ब्रांड्स को मिलाकर एक तरह से प्रमोट कर लेती है रॉयल एनवी ने पैकेजिंग बहुत अच्छी करी है बट कितनी ही ऐसी लिकर शॉप्स है जहाँ पे हमें कोई भी बॉटल डिस्प्ले में एक्सेसिबल है ये जानना बहुत ज़रूरी है हमने देख के ली क्योंकि हम एक ऐसे लिकर शॉप पे थे जहाँ में दिखी कुछ लिकर शॉप्स ऐसी होती है जिनपे हमें बॉटल दिखती ही नहीं है पैकेजिंग दिखती ही नहीं है रिसेंटली इन्होंने बहुत अच्छी इंट्रोड्यूस कर दिया वो एक अच्छा मूव था नो no डाउट लेकिन इस विस्की को भी प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसा स्मार्ट मूव चाहिए और इनकी मार्केटिंग स्किल्स पे हमें कोई डाउट है ही नहीं क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कैसी मार्केटिंग कर सकती है कंपनी बाकी तो इसके टेस्टिंग और ओवरव्यू में ही पता चलेगा कि कैसी चलती है इंडियन विस्की है इसमें इंडियन

द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड इज वाव अमेजिंग लुकिंग बॉटल दिस इज़ अ सेवन फिफ्टी एम एल बॉटल और इसका जो एल्कोहल बाई वॉल्यूम है दैट इज़ फोर्टी टू पॉइंट एट परसेंट और डेली में इसका जो प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली इज अराउंड नाइन हंड्रेड रुपीज़ और जैसे कि मैंने कहा कि बॉटल तो मैं देखता ही रह जाऊँगा ऐसे और इसका कैप भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है आई थिंक इसमें कॉक है तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा चलिए आप चलते हैं इसकी पोरिंग पर

डाल रहा हूँ बाद में भी वैसे मिल जाएगी बट कोई दिक्कत <laughs> नहीं अब चलते हैं हम इसकी नोजिंग पर मेलोडे नोट्स ज्यादा बोल्ड नहीं है आई कैन फील द स्मोकीनेस हिंट ऑफ मोल्ट आई वुड से नोजिंग के एक्सपीरियंस ने एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बढ़ा दी है मेरी तो अब चलेंगे हमारे एक्सपर्ट फादर साहब के पास इसके कलर और टेस्टिंग के लिए कलर तो इसका एम्बर है सिट्रसी फ्लेवर आ रहा है लाइट स्पाइसी है थोड़ी स्मोकीनेस फील हो रही है और एक चीज हो रहा है इनटेक पे हल्का सा हार्शनेस है अच्छा मतलब एग्जैक्टली अगर मैं समझना चाहूं तो जब पैलेट पे है ठीक है जैसी हाँ पैलेट आ, पे तो टेस्ट ठीक आ रहा है ओवरऑल टेस्ट ठीक है जैसे अंदर जा रही है तो थोड़ी हार्शनेस फील, फील हो रही है अब चलते हम इसकी रेटिंग पर इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था और भी बेटर हो सकता था अगर हार्शनेस फील ना होती ओके इसको मैं सेवन पॉइंट नाइन दूंगा ओके okay, सो so एक जो हार्शनेस इंटेक पे फील हुई उसकी वजह से इट एंडेड अप एट सेवन पॉइंट नाइन विच इज नॉट बैड इट इज गुड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड वाचिंग दिस वीडियो डू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर रिमेंबर ड्रिंकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द ग्लास बट द क्लास पीना भी एक कला है टिल देन चेयर्स